एक वीडियो बड़ी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये वीडियो मेरे साथ में जो आप देख रहे हैं जिला श्रीनगर के एमए रोड का है, जिस वीडियो के अंदर आप साफ तौर पर देख रहे हैं वीडियो बनाने वाला इल्जाम लगा रहा है कि जनाब इस बाइक का नंबर प्लेट ही नहीं, और बहस भी हो रही है कि आखिरकार आपका नंबर प्लेट कहां है, और बैक नंबर प्लेट है ही नहीं कहीं। आगे जाके अगर कहीं पर भी एक्सीडेंट होता है या कहीं पर भी ये बाइक वाला किसी को भी टक्कर मारता है तो क्या ये किसी भी तरीके से साबित हो सकता है कि आखिरकार ये है कौन? आप देखें साफ तौर पर सामने इस बाइक वाले ने हेलमेट के अंदर कैमरा लगाया है, व्लॉगिंग कर रहा है, लेकिन बाइक जो साथ में लेकर है बाइक के पीछे नंबर प्लेट ही नहीं है। और इसके बाद जब ये शख्स इसको कहता है कि जनाब आगे चले आप पुलिस के सामने, तो ये बाइक वाला उठकर भाग जाता है। ये कहानी यहां खत्म नहीं होती एमए रोड की। इसके साथ साथ में हम आपको और भी वीडियोस बुलवार रोड की दिखाएंगे, जहां पर स्कूटी राइडर्स जो है बिना नंबर प्लेट के किस तरीके से चल रहे हैं। चाहे हेलमेट लगा के तो जरूर है, पहले तो कुछ इसमें से रैश ड्राइविंग कर रहे हैं और साथ ही साथ में बैक नंबर प्लेट कहीं है ही नहीं। अगर ये आगे जाके किसी को भी टक्कर मारते तो क्या ये पॉसिबल है कि ये लोग वेरीफाई हो सकते हैं बिना नंबर प्लेट के? ये वीडियो आप ज्यादा से ज्यादा देखें, और हमें पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे ताकि इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। और ट्रैफिक पुलिस से भी गुजारिश है कि जितने भी ट्रैफिक कॉप्स सड़कों पर अपनी ड्यूटी को अंजाम दे रहे हैं उन्हें चाहिए कि जनाब अगर कोई भी बाइक वाला सड़क पर चल रहा है आप हेलमेट से पहले उसके नंबर प्लेट को चेक करें कि क्या उसके बाइक पर उसकी स्कूटी पर नंबर प्लेट लगे हैं। हेलमेट चलो वो हेलमेट पहनकर अपने सेफ्टी गियर अपने सेफ्टी के लिए हेलमेट लगा रहे, लेकिन जो बाइक लेकर चल रहा आगे जाकर अगर इससे किसी को टक्कर मारी तो जो इसका नंबर प्लेट ही कहीं नहीं है, क्या कल को जाके उस शख्स को इंसाफ मिल सकता है जिसको ये बाइक वाले या स्कूटी राइडर्स टक्कर मार सकते हैं? पहले आप ही वीडियो देख लीजिए। आपने इतना मेरे साथ बहस किया ठीक है ना, आपका नंबर प्लेट कहां है पीछे? अगर आपने मेरे को ठोका मारा तो फिर आप कहां से ढूंढूंगा मैं? आप जरा मुझे आप ये बताओ, आपने मेरे को हिट किया ठीक है ना, मैं कहां से आपको ढूंढूंगा? मैं तो आपको नंबर प्लेट से देखूंगा ना, ये आप हो ठीक है ना, ये आपका आगे वाला नंबर है, ये आपका आगे वाला नंबर है ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक है ना, ये आपका नंबर है पीछे, आप पीछे वाला आपका नंबर कहां है? मैं आपको बोल रहा हूँ पीछे वाला नंबर कहां है, मैं आपको बोल रहा हूँ आपका पीछे वाला, और भैया ये लाइव किसी और को दिखा ले, मैं आपको बोल रहा हूँ पीछे वाला नंबर कहां है आपका? पीछे वाला भाई की बात नहीं है, मेरा कोई भाई नहीं है, भाई मेरे को अपना घर में है। मैं आपको बोल रहा हूँ आपका नंबर प्लेट कहां है ये आप बोलो, आपका नंबर प्लेट कहां है? आप ये बोलो मुझे आपका नंबर प्लेट कहां है? हाँ कहां है आपका नंबर प्लेट? नहीं है, मॉडिफिकेशन किया भाई, मॉडिफिकेशन किया। अब रुको ऐसी, आप रुको ऐसी, आप चलो मैं दिखाऊंगा ना करना क्या है। आ जाओ आगे, चलो चलो मेरे पास पुलिस वाले, आ जाओ पकड़ो। अब क्या किया आपने? ये इसका नंबर है, ये इसका तो ये वीडियोस आपने हमारे साथ में देखे, क्या लगता है आपको कि क्या इस तरीके से घर से इस तरीके से ये स्कूटी लेकर या बाइक लेकर निकलना सही है? एक ये बाइक वाला खुद व्लॉगिंग कर रहा है, सामने मोबाइल लगाकर है, वीडियोस बना रहा है, लेकिन जिस बाइक पर ये सवार है उस बाइक का नंबर प्लेट ही कहीं नहीं है। और साथ साथ में हमने आपको बुलवार की ये वीडियोस दिखाई जिसमें स्कूटी राइडर्स स्कूटी तो चला रहे हैं लेकिन जनाब पीछे से नंबर प्लेट ही कहीं नहीं है। आखिरकार इस चीज को लेकर ट्रैफिक पुलिस को क्या करना चाहिए वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख लीजिएगा। और ट्रैफिक पुलिस से भी गुजारिश है कि जहां पर भी आपने
अपने सिपाहियों को तैनात किया है वो सबसे पहले इन चीजों को चेक किया करे, क्योंकि कल को एक्सीडेंट अगर कहीं पर होता खुदा ना करे तो वहां पर आप किसी भी तरीके से ना इस स्कूटी वाले को ना इस स्कूटी वालों को और ना इस बाइक वाले को पहचान सकते हैं।